कोई भी चमार उसकी डोल पर, उसके समाधि पर, उसकी ट्वेल पर कोई दिख गया, 5,000 रुपए जुर्माने के होंगे और भाई 50 जूते होंगे। पहले ये मनमानी करते थे, शोषण करते थे, जबरदस्ती काम करवाते थे। अब इनके बाप का राज नहीं चल रहा है, अब कानून का राज चल रहा है। इनको समझना चाहिए। और ये जो सोचते थे वो बुजुर्ग आदमी है, कोई प्रधान प्रधान अपने आपको कहता है राजवीर सिंह, हाँ वो तो प्रधानमंत्री समझ रहा है अपने आपको। प्रधानमंत्री तो दलितों के पैर पूज रहे हैं, पैर धो रहे हैं, और ये प्रधान होकर पता नहीं कितने हमारे लोगों ने प्रधान बनाया हुआ ऐसे इंसान को। तो इसकी जो मानसिकता है वो मानसिकता दर्शाती है कि ये आज भी इंसान को इंसान से भेद करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कानून। कानून ने अपना काम किया है, कानून ने FIR करी है, FIR करने के बाद जेल जाने का काम किया। आप उसको पता लग जाएगा कैसे मुनादी कराते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे 50 जूते लगते हैं। अब जेल में जाके 50 जूते लगेंगे उसमें अंदर जाके। अब इनके बाप का राज नहीं चलता है, अब इनके बाबा का, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है उनका राज चलता है, उनका संविधान चलता है, इनको पता होना चाहिए। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, ऐसे लोगों को जेल में डालने का काम किया जाएगा, क्योंकि 2,500 साल से जुर्म करते आ रहे हैं, कब तक सहेगा कोई आदमी? हम इंसान भी नहीं है क्या? कुत्ते बिल्ली को मोहब्बत करेंगे, कुत्ते बिल्ली को अपने घर में बैठाएंगे, अपने बेड पे बैठाएंगे, सब कुछ करेंगे, और जो इंसान इनके लिए काम करता है, इनके घर पे काम करता है, उसे नफरत करेंगे ये। तो ये कहाँ के लोग हैं? ये मानसिक बीमार लोग हैं, इनका कम से कम इलाज होना चाहिए। और इलाज इनका एक ही है, जेल में जाकर इन पर डंडे बरसना, चप्पल बरसना। जो 50 चप्पलों की बात कर रहा, जूते की बात कर रहा, अब 50 जूते लगेंगे उसमें, अब किसको मुंह दिखाएगा? अब जेल गया ना, तो ऐसे लोगों की जगह जेल ही है, और जेल में जाना चाहिए ऐसे लोग। देखिए जो मुनादी हुई है वो काफी 2-3 दिन से केस चल रहा है, तो मुझे लगता है कि वो जेल भी चला गया वो व्यक्ति। तो ये जो मानसिकता है ये दर्शाती है कि आज भी इन लोगों के दिमाग में SC ST OBC और माइनॉरिटीज के विषय में क्या सोचते हैं। ये तो मुनादी करा दी उसने, वीडियो बना ली किसी ने तो पता लग गया, नहीं तो इनकी मानसिकता यही है। आज भी जो मनुष्य मृत्यु है उससे देश को चलाना चाहते हैं। इनको ये पता नहीं है कि आज देश बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ते हैं, संविधान को पढ़ते हैं, देश में कानून है, कोर्ट है, कचहरी है। आज इनकी ये मनमानी नहीं चल सकती है। देखिए इनकी मानसिकता गंदी है, इस देश में ऐसी मानसिकता के साथ लोग रह रहे हैं कि वो कुत्ते को तो प्यार करेंगे, जानवरों को प्यार करेंगे, मगर वो SC ST OBC को प्यार नहीं करेंगे। इनकी जो मानसिकता दर्शाती है, क्योंकि इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा नहीं है, इन्होंने महापुरुषों को पढ़ा नहीं है, इन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा है, अनपढ़ व्यक्ति, अनपढ़ प्रवृत्ति के लोग हैं ये लोग। तो आज भी ये उसी जमाने को याद करते हैं जो आज़ादी से पहले था। आज़ादी के बाद सब कुछ बदल चुका है, लोग IAS PCS डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बन रहे हैं, देश के अंदर अच्छे अच्छे पदों पर जा रहे हैं, मान सम्मान से लोग रहना चाहते हैं। पहले तो जबरदस्ती करते थे लोग, जबरदस्ती बुला के लेके जाते थे, काम करवाते थे, अब कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, अब अपनी मर्जी से काम करेगा, अपनी मर्जी से कपड़े पहनेंगे, अपनी मर्जी से खाना खाएंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे। और हम तैयार कर रहे हैं, एडवोकेट्स तैयार कर रहे हैं ऐसे कि ऐसे लोगों के नाक में नकेल डालने का काम करें, क्योंकि जो एडवोकेट्स होते हैं उनको शिव मोटो लेना चाहिए। अगर समाज में ऐसी मानसिकता के लोग रह रहे हैं तो उन पर केस करना चाहिए। SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट जो 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने डायल्यूट करने का काम किया था, पर 2 अप्रैल को इस देश के अंदर 2 अप्रैल 2018 को लाखों की संख्या में अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेटों में लोग आए, लोगों ने कुर्बानी दी, 13 बच्चे शहीद हुए, लाखों लोगों पर FIR हुई। उन्होंने साबित किया कि हम देश को बंद कर सकते हैं, देश को चला सकते हैं, तो देश को बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि इस देश का जो मूल निवासी है, इस देश का जो बौद्धिष्ट व्यक्ति है, इस देश का जो अम्बेडकरवादी है, वो इस देश का निर्माण करता है। सुबह सुबह सफाई कौन करता है? ये लोग करते हैं। देश की सड़क कौन बनाता है? सारे देश का जितना भी निर्माण है, हर बिल्डिंग की बुनियाद कौन रखता है? ये रखते हैं, मगर बाद में ये शोषित हो जाते हैं। जिस मॉल को बनाते हैं, जिस मॉल में खरीदारी होती है, बाद में बेचारे इन पे इतने पैसे भी नहीं होते कि उसमें से अपने बच्चों को घुमा भी सकते हैं। जिस सड़क पर ये सड़क को बनाते हैं, सड़क का निर्माण करते हैं, इनके पास इतना धन नहीं है कि वो उनकी गाड़ी इनकी लोगों की चलती है। काम हम करें, मजे ये लें, ऐसा नहीं चलेगा अब देश के अंदर। बराबरी की हाँ भागीदारी बात होगी, हमारे अधिकार हमको चाहिए। अब मांगने लगे हैं तो जो लोग मांगने लगे, एक्टिविस्ट बनने लगे हैं, अपने अधिकार को जानने लगे, उनको जेल में पहुंचाने लगे हैं लोग। तो ना इनकी जेलों से डरते हैं, ना लोग मरने से डरते हैं, ना लोग मारने से डरते हैं। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, इनको समझ लेना चाहिए, और जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी जल्दी इनके लिए फायदा होगा, नहीं तो इनके आने वाली जनरेशन को भुगतना पड़ेगा।
देखो संविधान का राह तो चल रहा है, मगर कुछ चंद लोग संविधान को नहीं मानते हैं, वो यहाँ पर मनुस्मृति को दोबारा लागू करना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि उनका बाप जब जिंदा था वो मनुस्मृति को नहीं बचा पाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जला दिया था। जब वो नहीं बचा पाए तो ये क्या बचाएंगे? मनुस्मृति इस देश में कभी दोबारा नहीं आ सकती। मनुस्मृति का मानना है, मनुस्मृति का कहना है कि सब जो दलित लोग हैं यहाँ पे या SC ST लोग हैं उनको आप छुओगे भी नहीं। तो यहाँ संविधान का राज चलता है। 1950 में 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया है। उसके बाद यहाँ संविधान का राज चलता है। अगर कोई अपना राज चलाना चाहता है तो उस जेल जाएगा। ये बात बताने में, इनको जवाब देने में हमारे लोग कमजोर हैं। हम लोग तो लोगों को तैयार करें, जेल तो जाते हैं पर छूट भी तो आसानी छूट जाते हैं, बिल्कुल छूट जाते हैं, कानून का प्रोसीजर है, मगर हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। गांव गांव जाकर लोगों को तैयार कर रहे हैं। माननीय काशीराम साहब ने बहुत लोगों को तैयार करा, बहुजन समाज पार्टी ने बहुत लोगों को तैयार करा, बहुत सारे ग्रुप बन गए हैं, बहुत सारे लोग तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं। वो गांव गांव में जाकर लोगों को तैयार करने का काम कर रहे हैं कि जब भी ऐसा कोई जुल्म होगा पूरे देश के अंदर तो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा, उसका आपका विरोध करना पड़ेगा, उसमें FIR करनी पड़ेगी और उसमें जेल में डालना पड़ेगा लोगों को। तो बात बन जाएगी। जहां भी आपने देखा होगा अगर जुल्म होता है वहां पर सारे लोग अगर जेल में जाते तो उनको लाइफ इंप्रीजमेंट भी होता है। मिर्चपुर का कांड देखा होगा आपने, वो दलित के कुत्ते का ऊपर हुआ था कि दलित का कुत्ता है वो उनके एक जो है न्याय मिला, सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिया, सुप्रीम कोर्ट में उम्र कैद हुई है सब लोगों को। तो आप देखें ना, कुत्ते भी बांट दिए, दलित के कुत्ते, दलित के भैंस, दलित के गाय, तो रंग भी बांट दिए लोगों ने। तो गांव तो वापस नहीं गए ना, नहीं गए, नहीं बात बिल्कुल नहीं गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन्होंने जवाब दिया है और कानून ने अपना काम किया है। तो ऐसे लोगों को पूर्ण रूप से खारिज करना चाहिए। और ऐसे जो लोग हैं वो सभ्य समाज में रहने लायक नहीं है। ऐसी जो मानसिकता है वो सभ्य समाज में रहने लायक नहीं है। सरकारों को इस पर शू मोटो लेना चाहिए। सरकार को कोई प्लानिंग बनानी चाहिए ऐसी कि आज भी आज़ादी के इतने दिन के बाद भी ऐसी मानसिकता के लोग गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, जो आज भी इंसान इंसान में भेद करता है। तो वैसे कहते हैं कि वे सोने की चिड़िया बनाएंगे, कैसे सोने की चिड़िया बनेगा भारत? नहीं बन पाएगा ना। बिना इस देश के मूल निवासियों के, बिना इस देश के शोषित लोगों के, बिना इस देश के बहुजन समाज के लोगों को देश तरक्की नहीं कर सकता है। अगर देश तरक्की करेगा, शरीर में जितने अंग हैं अगर सारे अंग अगर सुरक्षित रहेंगे और वो स्वस्थ रहेंगे, जब ही शरीर अच्छा चल सकता है। अगर शरीर को खत्म करना है तो धीरे धीरे अंगों को काटते रहो। तो क्या बाबा साहब ने ठीक कहा था कि जो गांव है भारत के वहाँ जातिवाद की नर्सरी पनपती है? बिल्कुल पनपती है, बिल्कुल। गांव में जातिवाद ज्यादा है, गांव में दिखाई दे जाता है, शहरों में जातिवाद जो है उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। वहां पे डायरेक्ट जातिवाद नहीं है, मगर वहां अगर तुम स्कूल में जाओगे तो तुम्हारे नंबर कम करे जाएंगे, अगर तुम किसी नौकरी पे हो तो नौकरी पे तुम्हारा शोषण किया जाएगा, नौकरी में तुम्हें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, तुम्हारा जो करेक्टर रिपोर्ट है उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो वहाँ अलग प्रकार की ये शोषण के तरीके हैं। शोषण हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि शोषण नहीं होता है। जाति जो कभी नहीं जाती, जाति इंसान के माइंड में घुसी हुई है। और जाति को कैसे खत्म करेंगे? वैसे कहते हैं जाति खत्म करो, खत्म करो, कैसे जाति खत्म करेंगे? अरे प्रधानमंत्री की जाति है यहाँ पर, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं OBC हूँ, राष्ट्रपति की जाति है यहाँ पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जाति है यहाँ पर, हर इंसान की तो जाति है। सबसे पहले जाति निकल के आ जाती है, अपने अपने जाति के लोगों के लिए कर रहे हैं, इंसानियत के लिए कुछ कर नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में इंसानियत के लिए कुछ करा था। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देश का संविधान लिखने का मौका मिला तो लोगों ने कहा कि संविधान को भगवान के नाम से स्टार्ट करेंगे, किसी ने कहा कि अल्लाह के नाम से स्टार्ट करेंगे, किसी ने कहा किसी के नाम से स्टार्ट करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि वोटिंग कर लीजिए, वोटिंग हुई तो भगवान के नाम पर कम वोट पड़ी और वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम पर ज्यादा वोट पड़ी। तो भारत के संविधान है अगर प्रीएम्बल देखेंगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से स्टार्ट है, हम भारत के लोग। वहां जाति नहीं है, वहां जाति के नाम से नहीं बना हुआ, हम भारत के लोग। जब हम भारत के लोग हैं जब ही भारत का निर्माण हो सकता है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत को बनाना चाहते थे कि ये देश जो भारत है ये समता मैत्रिक भाईचारे का देश बनना चाहिए, यहाँ पर हर इंसान की वैल्यू उतनी होनी चाहिए, इंडिविजुअल की जो वह डिग्निटी होनी चाहिए यहाँ पर जितनी एक बड़े आदमी की हो। लेकिन हमारे देश में तो जो है हिंदुस्तान की बात होती है, हिंदू राज्य की बात होती है। देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसका भी इलाज करके गए हैं। आर्टिकल जो फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें इंडिया दैट इज भारत। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पहले ही पता था ये चालाक लोग हैं, ये चालाक किस्म के लोग हैं, क्योंकि अभी तक ये लोग चालाकी से लोगों को बेवकूफ बनाकर, लंबे समय से बेवकूफ बनाकर उनका शोषण करते आए हैं, तो आगे जाके भी ये लोग शोषण करेंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पहले लिख दिया है इंडिया दैट इज भारत, ये हिंदुस्तान नहीं है, भारत है।
यहाँ केवल हिंदू नहीं रहते हैं, यहाँ बौद्ध रहते हैं, यहाँ जैन रहते हैं, यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, ईसाई रहते हैं, पारसी रहते हैं, यहाँ पर आपका सरदार रहते हैं, सब लोग रहते हैं यहाँ पर। ये केवल एक जाति के लोगों का, एक धर्म के लोगों का ये देश नहीं है, ये सब धर्म के लोगों का देश है, ये सेकुलर स्टेट है। लेकिन हिंदू जाग रहे हैं, हिंदू मजबूत हो रहे हैं, हिंदुओं की बात हो रही है, मंदिर बन रहे हैं, ये क्या हो रहा है फिर? पहले भी तो बहुत मंदिर थे इसके अंदर, मंदिर कम थोड़ी थे, मंदिर बना के करोगे क्या आखिर? जिस सरकार को अस्पताल बनाने चाहिए, जिस सरकार को कॉलेज स्कूल्स बनाने चाहिए, जो लॉ एंड ऑर्डर पर काम करना चाहिए, इंसान के रोजगार पर काम करना चाहिए, वो तो कुछ कर नहीं रहे हैं, उन पर तो वो मौन है। और जो मंदिर की बात कर रहे हैं, सिर्फ मंदिर राजनीति है और कुछ नहीं, लोगों को समझना चाहिए। गाय इनकी माता नहीं है, अभी मदर डे था, किसी ने भी गाय को बताकर माता के नाम से वो नहीं करा, गाय है राजनीतिक माता, और मंदिर जो है वो राजनीतिक मंदिर है। ये धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, और धर्म के नाम पर लंबे समय तक शोषण बनाया जा सकता है, क्योंकि धर्म में आपको तर्क करने की आजादी नहीं है, आपको कुछ भी कहने की आजादी नहीं है। तर्क अगर तुम कर सकते हो तो वो आपको बुद्ध के रास्ते में तर्क मिलेगा। तथागत गौतम बुद्ध ने यह कहा है कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत लंबे समय से चली आ रही है या किसी महान व्यक्ति ने कही है, अपनी बुद्धि की कसौटी पर उसको खरा उतारो। अगर वो आपकी बुद्धि की कसौटी पर खरी उतरती है तो उस बात को मानिए। अब ये जिनका धर्म है हिंदू धर्म, वहां तो कुछ कहने का आपको मतलब ही नहीं है। अब आदमी के सर पर हाथी का सर कैसे लगा दिया? अगर ये कोई डिबेट करने लगे तो कहेंगे तुम तो भगवान के खिलाफ वो बात कर रहे हो। आप बताइए ना, किसी महिला से कहो कि गणेश जी की आप पूजा करती हो और गणेश जी जैसा बच्चा आपके पैदा हो जाए तो क्या कैसा लगेगा आपको? तो क्या कि नहीं, आप तो भगवानों के खिलाफ कर रहे हो। तर्क नहीं कर सकते आप किसी बात को नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर तो जो गणेश जी दूध पी जाते हैं भाई, पत्थर की मूर्ति दूध पी जाती है, आप तर्क करोगे तो आपको कहेंगे कि आप तो भैया आप तो हिंदू के विरोधी हैं। तो तर्क करने की शक्ति नहीं है, तर्क मार दिया, बुद्धि खत्म कर दो। आप बिना बुद्धि के आओगे, भगत बन जाओगे, ऐसे भगत घूम रहे हैं, तो हमें ऐसा धर्म नहीं चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस धर्म को 14 अक्टूबर 1956 को उस धर्म को छोड़ दिया था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर के अंदर, और उन्होंने एक बुद्ध को दिया था, बुद्ध धर्म की तरफ दिया था। तो हमारे जितने भी लोग हैं वो बुद्ध की तरफ जाएं, और ऐसे जितने भी जातिवाद लोग हैं जब भी उनका आप मुकाबला कर सकते हैं।